हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसमें 1000 प्लस हायरिंग रहने वाली है। जी हाँ, आपने अपनी स्क्रीन पे देखा ही होगा, जो सबसे पहले स्क्रीन को देख के आए हैं, या फिर मैंने अभी वीडियो शुरू होने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट जो किया है कि आज की वैकेंसी जो है 1000 प्लस हायरिंग्स के लिए है। दोस्तों टाटा की तरफ से ऐसा मौका इस साल में 2023 बेस्ट वैकेंसी में से एक वैकेंसी आ रही है, तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दोस्तों अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आपको अर्जेंट में जॉब चाहिए या आपको बिल्कुल भर्ती चाहिए ही चाहिए मतलब 10 दिनों में, तो दोस्तों आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दे। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे सिर्फ मेरा इतना ही बेनिफिट होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी अपडेट सबसे पहले आपको उन्हीं ब्रांचेस से रिलेटेड दे पाऊंगा जो ब्रांचेस वहां एलिजिबल है। ऐसा और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बहुत भाई ऐसे हैं जो जिनकी क्वेरी ये रहती है कि हमने यहाँ अप्लाई किया वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने यहाँ अप्लाई किया यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने यहाँ अप्लाई किया यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, मतलब ना होने से थोड़ा होना ज्यादा बेटर है। इसीलिए याद रखिएगा, जितनी ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी रिप्लाई आने के चांसेस होंगे। आप अप्लाई करते रहेंगे आपका रिप्लाई आता रहेगा, तो कोशिश ये कीजिए आप अप्लाई करते रहें। जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने रिज्यूम फॉर्मेट पे और अपने कवर लेटर पे वर्क कीजिए। रिज्यूम फॉर्मेट का एक छोटा सा अपडेट डाल के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, कवर लेटर का भी बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। ऑल अपडेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऑल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात आई अप्लाई लिंक की। दोस्तों अप्लाई लिंक कहाँ देता हूँ मैं, वैसे मैं तीन जगह पे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट सेक्शन में और एज वेल एज अपनी वेबसाइट पे मैं तीनों जगह ही अपडेट करता हूँ। तो आपने वैसे तो जो मैक्सिमम क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जैसे टाटा के रिगार्डिंग ये वैकेंसी है तो टाटा अप्लाई लिंक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करके देखेंगे वैसे ही आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगी। अब बात आई किसी को मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होना है, किसी को मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, तो जिसको मेरे से डायरेक्टली बात करनी हो डायरेक्टली कनेक्ट होना हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे एज वेल एज टेलीग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। मैं वहां आपसे ऑलरेडी बात करने के लिए रेडी हूं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। टाटा केमिकल, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, टाटा के अंडर 96 कंपनीज आती हैं, जिसमें से टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल, TCS, TCE, ऐसे ऐसे टाटा इंजीनियर्स करके टोटल 95 कंपनीज हैं। उन्हीं में से एक में ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है कौन सी है, ये टाटा केमिकल है। इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइट वर्क करती है। दोस्तों इनका अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इनके HR मैनेजर ने एक अपना जो नोटिफिकेशन है ये अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है दोस्तों, ये पहले तो मैं बता दूं कौन है। पराग बदियानी जी हैं, ये टाटा केमिकल के HR मैनेजर हैं। उसके साथ साथ इन्होंने बोला एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंक्शन इन टाटा केमिकल मीठापुर गुजरात प्लांट के लिए एंड करंट नीड और इंटरेस्टेड एप्लीकेशन आर सबमिट टू यूजिंग देयर गिवन लिंक एप्लीकेशन शुड। दोस्तों इन्होंने एक चीज़ क्राइटेरिया दिया है कि आपके BE, BTEC या फिर डिप्लोमा में 60% से कम नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए आपके 60% है तभी आप यहां एलिजिबल है, बट मैं 55 वालों को भी बोलूंगा कि आप भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके चांसेस कम होंगे, बट सिर्फ 60 प्लस वाले ही अप्लाई करें, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके साथ साथ एलिजिबल कैंडिडेट विल कनेक्टेड अवर टीम प्रोसेस। दोस्तों इन्होंने जो है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए अलग लिंक दिया है, BE, BTEC के लिए अलग दिया है। अगर बात कर लेते हैं डिप्लोमा और BTEC वालों के लिए, दोनों लिंक को मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिप्लोमा इंजीनियर्स और BE, BTEC वालों के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। दोस्तों इन्होंने डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे ही और भी बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। तो आपको क्या कर लेना है, ये डिप्लोमा वालों के लिए बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नाम अपना कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल में। मान लीजिए आपका नाम है अमित कुमार, तो AMIT अमित और स्पेस देके कुमार। अपनी ईमेल आईडी भी आप जो है कैपिटल में लिखना है, कैपिटल में, कि अदरवाइज स्मॉल में भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, लाइक आपका मोबाइल नंबर जो भी है उसको आप लिख के मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आप डिप्लोमा केमिकल है, डिप्लोमा मैकेनिकल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर आप इसके अलावा
अलावा ब्रांचेज हैं, तो आप देखिए अप्लाइड ये क्या है कि कुछ टाइम बाद डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन भी हट जाएगा अगर इनकी यहाँ सीटें फुल हो गई, केमिकल भी हट जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सिविल था, सिविल अभी हट चुका है। इसके साथ साथ एसएससी वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी पास आउट ईयर। और डिप्लोमा परसेंटेज कितनी रही है, डिप्लोमा पास आउट ईयर क्या रहा है, अगर आपने डिप्लोमा से पहले टेंथ के बाद आईटीआई किया है तो ठीक है, अदरवाइज टेंथ किया है तो टेंथ पे मार्क कर दीजिएगा। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, अगर आपके पास जीरो है तो जीरो कर दीजिएगा। करंट कंपनी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ सेगमेंट ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस अगर नहीं है तो जिसको छोड़ दीजिएगा अदरवाइज, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। इनकेस यू हैव वर्किंग इन सीमेंट प्लांट, ये भी छोड़ दीजिएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों इनकेस यू आर वर्किंग इन पावर प्लांट, इन टाइप ऑफ बॉयलर यू हैव एक्सपीरियंस, तो ये नॉट एप्लीकेबल करके इसको आगे बढ़ जाइएगा। आपकी करंट सीटीसी कितनी है, दोस्तों मैंने आपको बताया है कि टाटा ऐसा ग्रुप है कि यहाँ मिनिमम आपको 30-50,000 मिलेंगे ही, तो उसके हिसाब से आप 3-4 लाख रुपए कर सकते हैं। एक्सप्लेन ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन ब्रीफ, यहाँ अपना कवर लेटर लगा सकते हैं, कवर लेटर में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। योर परमानेंट एड्रेस जो है डाल देना है, सिटी टाउन, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ हर स्टेट का मार्क दिया हुआ है, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो था ये था आपका डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए भी इन्होंने सेम ही क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें बीई बीटेक, और बीई बीटेक में आप देखेंगे या भी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एलिजिबिलिटी है, सिविल इंजीनियरिंग बीई बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल ऐसे ऐसे। अभी कुछ टाइम बाद हट जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा, अभी अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है जो मैंने आपको पहले बताया है, सेम तरीके से अप्लाई करना है। जो भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। इसके साथ साथ लिंक कहां मिलेगा, लिंक का मैंने पहले भी बताया है आपको, डिस्क्रिप्शन में टाटा केमिकल अप्लाई लिंक या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी कोई कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, अगर किसी के पास कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन और सीएस से बिलोंग सीएस या आईटी से बिलोंग करते हैं और वो फ्रेशर भी हैं, तो आप वो मेरे को इंस्टा पे डीएम करें। इंस्टा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाके इंस्टा पे डीएम करें और मेरे को अपना सीवी भेजें। आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अकोमोडेट कर सकते हो तो मैं आपकी जॉब लगवाने के लिए रेडी हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।